अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैंने उस दिन रात के टाइम शाहरुख ने आलम के मज़ार का विज़िट किया था, तो मैं आपके साथ भी कुछ उसकी वीडियो शेयर करती हूँ। मुझे हमेशा से तजस्स रहा है कि इसके अंदर हो है क्या, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी का व्यू है। सबसे पहले एंट्रेंस में पार्किंग के साथ आर्ट गैलरी है। ये मैंने मिलाद 12 रबीउल अव्वल की रात हम लोग गए थे और इंतहाई प्यारी डेकोरेट हुई हुई थी सारी बिल्डिंग्स, ये गैलरी और साथ जो शाहरुख ने आलम का मज़ार है बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेट हुआ था। एंट्रेंस पे ही बहुत ही अच्छी तस्वीरें और सारा कुछ, और हर तस्वीर के साथ नीचे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि किस तरह पहले इधर बुत मज़हब था, फिर मुसलमान आए, उन्होंने किस तरह इधर इस्लाम फैलाया, ये सारी हिस्ट्री मुख्तलिफ़ उस पर लिखी, देख सकते हैं आप हिस्ट्री एंट्रेंस पर लिखी हुई है सारी। इसके अलावा पुराने ज़माने का कैमरा लकड़ी का बना हुआ, ये भी बिल्कुल एंट्रेंस पे था। यहाँ की एम्ब्रॉयडरी बहुत मशहूर है, आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए। इसके अलावा जो है एशिया की सबसे बड़ी वुड मार्केट जो है वो मुल्तान में मौजूद है। इनके ब्लू पोट्री बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो भी यहाँ आता है ब्लू पोट्री लाजमी अपने साथ एज ए गिफ्ट लेके जाता है। उसके बाद दरमियान में, बिल्कुल इमारत के दरमियान में इतना प्यारा इस पूरी एरिया का मॉडल पड़ा हुआ था, जिसमें आप आर्ट गैलरी, शाहरुख ने आलम का मज़ार और इतनी डिटेल के साथ हर चीज़, मुझे इतना अच्छा लगा। छोटे हर चीज़ मौजूद थी, बाग थे, देखें आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का। इधर मज़ार पे जो बंदे वो लेटे होते हैं जो मांगने वाले, इवन वो तक इन्होंने बनाए हुए थे। बहुत ही प्यारा मॉडल और बहुत ही डिटेल के साथ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर हम बाहर निकले, वहाँ से मैंने हुसैन नगर, यहाँ का बहुत बड़ा और मशहूर और पुराना बाज़ार है, इतना बड़ा है कि आप जाते जाते थक जाओगे लेकिन बाज़ार नहीं ख़त्म होता, इतना बड़ा बाज़ार है। तो वहाँ का व्यू जो है रात का बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने वो कैप्चर किया। ये एंट्रेंस पे आप घोड़ा देख सकते हैं, कितना प्यारा आर्ट वर्क है इधर का, और ये देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा था। फिर मैंने हम लोग काफ़ी देर खड़े इसको देखते रहे। उसके बाद हम शाहरुख ने आलम के मज़ार पे गए। एंट्रेंस पे जूते रख लेते हैं क्योंकि मज़ार है तो जूते अंदर अलाउ नहीं हैं, तो आप ख्याल से जाइएगा। और नीचे आप नोट करें कि यहाँ नीचे भी फर्श पर कब्र लिखा होता है, तो बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। अंदर से ये बिल्कुल मुझे टर्की की याद लाता है, जब हम वहाँ गए थे और वहाँ उनकी जो कब्रें थी उनके बादशाहों की, बिल्कुल वही लोग यहाँ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हमने फातिहा पढ़ यहाँ पे और लोग मन्नते वगैरह मान कर रहे थे, बट हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने जस्ट फातिहा पढ़ी और हम यहाँ से निकल गए। चूँकि अंदर नंगे पाँव आना पड़ता है तो एहतियात से, बाज़ जगह पत्थर पड़े होते हैं, मेरा पाँव बड़ी बुरी तरह यहाँ दुखा पाँव रास्ते में और ब्लीड करता रहा, बट आप लोग बड़े एहतियात से देख के चलिएगा। और बड़ा अच्छा लगा, मुझे हमेशा से होता था पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगा विज़िट करके। फिर बाहर इनकी डिस्प्ले शॉप थी जहाँ पर तस्बीह, दिए, डिफरेंट जानमाल जो आप अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं एज ए सोवेनियर तो इधर से ले कर जा सकते हैं, और बाहर लोग यहाँ से दिए लेके तो अंदर जलाने के लिए एज ए मन्नत लेके जाते हैं। मुल्तान को मज़ारों का शहर कहा जाता है और ये वाला उनमें से एक है, आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर ट्रेडिशन नज़र आता है मुल्तान का, पाकिस्तान का कल्चर नज़र आ रहा होता है, बहुत प्यारी जगह है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।